हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज का ये चैप्टर क्लास टेन का इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर सिक्स है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट और इसे लिखे हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पिटिशन जो एक अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर हैं और बाद में मैगजीन्स का फ्रीलांस राइटर बने तो चलिए जानते हैं इस स्टोरी को पूरे डिटेल में तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन रिचर्ड रिचर्ड्राइट हैज़ रिसीव सेरले स्कॉलर अवार्ड एंड द शेयरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायो केमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी इट वॉज इज फैशन शो फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम रिचर्ड डेब्राइट जो कि एक साइंटिस्ट है इसी के बारे में ये कहानी है तो रिचर्ड एब्राइट सेरले स्कॉलर अवार्ड और शेयरिंग प्लो अवार्ड जीतते हैं बायो केमिस्ट्री के लिए और मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए ये दो सब्जेक्ट्स हैं बाय केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का सब सब्जेक्ट्स इट वॉज इज फैशनेशन फॉर बटरफ्लाइज कह रहे हैं कि तितलियों के प्रति उसका आकर्षण जो है उसके लिए विज्ञान के पूरे दुनिया का दरवाजा खोल दिया था चलिए जानते हैं कैसे एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू अ फार्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल वर्क्स बाईस साल के उम्र में एक फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर स्काउट ऑफ द ईयर बोलते हैं कॉलेजेस में जो मिलिट्री का ट्रेनिंग लिए होते हैं और या फिर कोई रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं और उन्हें स्पेशल सिटीजनशिप दिया जाता है उन्हें कहते हैं स्काउट ऑफ द ईयर तो एक ऐसे 22 साल के लड़के ने पूरे साइंटिफिक दुनिया को चौंका दिया था अपने एक नए थ्योरी से और वो थ्योरी था कि कोशिका कैसे काम करता है रिचर्ड एच ए ब्राइट एंड इस कॉलेज रूम में इट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस रॉबर रिचर्ड एच ए ब्राइट जो इसका पूरा नाम है और उसका एक कॉलेज मेट यानी उसका कॉलेज में पढ़ने वाला साथ ही दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था एक आर्टिकल में और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ये एक आर्टिकल एक एक जर्नल है इट वाज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसा पहली बार था जब इतना इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल जो प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है इट वाज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसा पहली बार हुआ था कि इस महत्वपूर्ण पत्रिका ने किसी कॉलेज के स्टूडेंट के काम को अपने पत्रिका में छापा था इन स्पॉर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ फिफ्टीन एंड हिटिंग अ होम रन फॉर योर फर्स्ट टाइम एट बैट और क्रिकेट में अगर इसकी तुलना की जाए तो ये एक बहुत बड़ा बिग लीग्स बनाने के जैसा है बिग लीग्स मतलब होता है टूर्नामेंट मैच पंद्रह साल की उम्र में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट में खेलते हुए पहले बार बैट से होम रन बनाने जैसा है अमेरिका में बेसबॉल का गेम होता है जिसमें चार कॉर्नर होते हैं और वहाँ बिना बॉल टच किए अगर आप चारों कॉर्नर पूरा कर लेते हैं तो उसे होम रन कहते हैं तो एक उसके जैसा एक उपलब्धि है साइंटिफिक दुनिया में इसका जो रिचर्ड एब्राइट ने कर दिखाया था फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज़ द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज रिचर्ड एब्राइट के लिए साइंस में और बाकी दूसरे फील्ड्स में कतार में लगे हुए सफलताओं का यह पहला सीढ़ी था और ये सब शुरू होता है तितलियों से बटरफ्लाई से एंड चाइल्ड चाइल्ड्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिलवेनिया एकमात्र बच्चा रिटर्ड रिचर्ड एब्राइट पेंसिल्वेनिया के रीडिंग का नॉर्थ में यानी नॉर्थ डायरेक्शन में वो बड़ा हुआ वहाँ पे देर वॉजन मच आई कुड डू देयर ही सैड और वो कहता है कि वहाँ कुछ करने जैसा नहीं था जिसे मैं कर सकता था आई सटनली कूड प्ले फुटबॉल एंड बेस बॉल विद द टीम ऑफ वन क्यों नहीं कर सकता था क्योंकि एक होने के कारण ना तो मैं वहाँ बेसबॉल खेल सकता था ना फुटबॉल क्योंकि मैं अकेला था बट देर वॉज़ वन थिंग दैट आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स लेकिन एक चीज़ जो मैं कर सकता था वो था चीज़ों को कलेक्ट करना इकट्ठा करना सो ही डेड एंड डीड ही एव ओ बिगिन इन गिंडा गार्डन ए ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटन दैट हेज मार्क्ड ऑल हीज एक्टिविटीज़ और उसने ये किया और हमेशा किया गिंडा गार्डन की शुरुआत से लेकर एब्राइट बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया उसी डिटर्मिनेशन का उसी शिदत के साथ जितने जिस सिद्धत के साथ वो बाकी एक्टिविटीज़ किया है ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स फॉजल्स फॉजिल्स मतलब होता है अवशेष जो पेड़ पौधे या जी जीव जंतु दब जाते हैं हजारों साल बाद दब जो निकलते हैं आप धरती से गड्ढे खोदने के बाद उसे कहते हैं फॉजिल्स तो उसने क्या क्या कलेक्ट किया ही ऑल्सो कलेक्ट रॉक्स फॉजल्स एंड ही बिकम एन ईगर एस्ट्रोनोमर टू समागेजिंग ऑल नाइट उसने रॉक्स कलेक्ट किया फॉजिल्स को कलेक्ट किया अवशेष को कलेक्ट किया और सिक्के भी कलेक्ट किए। वो एक बहुत ही उत्सुक और जिज्ञासु एस्ट्रोनॉमर भी था एस्ट्रोनॉमर मतलब होता है खगोल शास्त्री और कई बार वो रात में तारों को घूरता रहता था उसे देखता रहता था फ्रॉम द फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट ही है ड्राइविंग क्यूरिया अलॉन्ग विद्राइट माइंड शुरुआत से ही उसके पास उत्सुकता थी क्योसिटी मतलब होता उत्सुकता कभी ना ख़त्म होने वाली उत्सुकता थी और साथ ही साथ उसके साथ उसके पास एक तेज़ दिमाग भी था यू ऑल्सो हैड अ मदर हु इनक्रेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग उसके पास एक माँ भी थी उसकी माँ थी जो उसके सीखने में उसके सीखने में जो भी उसकी रुचि थी उसे खूब उसने उसको सराहा उसे मदद भी किया उसमें उसको शी ऑल्सो टुक हिम ऑन ट्रीप्स ब्राउट हिम टेलीस्कोप्स माइक्रोस्कोप्स कैमराज माउंटिंग मटीरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प हिम इन मैनी अदरवेज और उसने उसे ट्रिप पे ले गई और साथ ही साथ उसे टेलीस्कोप्स खरीद दी माइक्रोस्कोप्स खरीद दी कैमराज खरीद दी और कई माउंटिंग मटेरियल्स खरीद दी मतलब कैमरा जिसपे सेट किया जाता है उसे माउंटिंग मटीरियल्स कहते हैं और बाकी और भी कई तरह के सामान खरीद दी और उसे और भी कई तरह से उसने मदद किया टेलीस्कोप्स दूर के वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और माइक्रोस्कोप्स नज़दीक के वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आई वॉज ओनली आई वॉज इज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल हिज मदर सेड उसकी माँ कहती है कि जब उसने स्कूल स्टार्ट किया तब तक मैं उसके एकमात्र साथी थी आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर रिचि was my होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड when रिचि was इन थर्ड ग्रेड और वो कहती हैं कि उसके बाद यानी स्कूल स्टार्ट करने के बाद मैं अपने दोस्तों को घर लाने लगी उसके लिए लेकिन रात में हम लोग बैठ कर दोनों ही चीज़ें साथ में किया करते थे और रिची मेरी पूरी दुनिया थी जब उसके पिताजी चल बसे और उस समय रिचि का उम्र महज जब वो थर्ड थर्ड ग्रेड में था मतलब ग्रेड मतलब होता है यहाँ क्लास जब वो थर्ड क्लास में था तब उसके पिताजी चल बसे उसके बाद से रिची मेरी पूरी दुनिया है उसकी माँ कहती है सी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल वह और उसका बेटा हर शाम डाइनिंग टेबल में वक्त बिताया करते थे इफ़ सी डिडेंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर ही नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स इज मदर सेड ही लाइक दिट ही वॉन्टेड टू लर्न और वो कहती कि अगर उसके पास करने को कुछ नहीं होता तो मैं उसके लिए काम ढूंढा करती थी मेहनत वाला सारी काम नहीं बल्कि सीखने से रिलेटेड कोई काम उसकी माँ कहती हैं और वो वो चीज़ पसंद करता था और जो सीखना चाहता था उससे रिलेटेड मैं उसके लिए काम ढूंढ देती थी एंड लर्न ही डीड ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल और उसने सीखा जो जो मैंने सिखाया और उसने स्कूल में अच्छे अंक हासिल किए ऑन एवरी थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर केर्स इज मदर सेट उसकी माँ कहती हैं कि हर चीज़ में वो बिल्कुल सामान्य था जैसे सामान्य बच्चे रहते हैं बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड ए ब्राइट बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड इज होम टाउन जब वो सेकेंड क्लास में था तब ए ब्राइट अपने एरिया में पाए जाने वाले पच्चीस प्रकार के बटरफ्लाइज के प्रजातियों को इकट्ठा कर लिया था बॉक्स में दिया गया है स्पेसिस और सब स्पैसिस पूरे बटरफ्लाइज का नेक्स्ट है That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. butterfly collecting But then my mother got me a children's book called The Travel of Monarch X. That book which told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector. बटरफ्लाई का कलेक्टिंग का काम खत्म हो गया होता लेकिन तभी मेरी माँ ने मुझे एक बच्चों का एक किताब जिसका नाम है द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ये किताब मुझे ला के दिया और वो किताब ये बताता है कि मोनार्क बटरफ्लाईज़ जो मोनार्क एक प्रकार का प्रजाति है बटरफ्लाईज़ का वो कैसे माइग्रेट किया है सेंट्रल अमेरिका और ये किताब जो है इस छोटे से पढ़ने वाले चीज़ों को इकट्ठा करने वाले बच्चे को साइंस के दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया इस किताब ने उसके लिए एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन और बुक के अंत में पाठकों को न्योता दिया गया इनवाइट किया गया कि आप बटरफ्लाई के प्रवास को माइग्रेशन मतलब होता है प्रवास बटरफ्लाई अन्य तेलियों के प्रवास के स्टडी के बारे में मदद करें एक इनविटेशन था दे वर आक्स टू टैग बटरफ्लाईज टैग मतलब होता है चिन्हित करना दे वर ऑल्सो आगस टू टैग बटरफ्लाईज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक एयागट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो कैनेडा और उन्हें उन उन्ह सारे किताब पढ़ने वालों को बताया गया कि आप बटरफ्लाई को चिन्हित करें डॉक्टर फेडरिक एयागट के रिसर्च के लिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो कैनेडा के हैं एब्राइट्स मदर रॉट टू डॉक्टर ऑफ मोनाक ऐबराइट की माँ डॉक्टर यागट को एक लेटर लिखी और जल्द वो हल्के गम से चिपचिपा गम से मोनाक के विंग्स को चिन्हित करने लगा एनी वन हु फाउंड ट्रैक बटरफ्लाई वॉज ऑल्स टू सेंड द ट्रैक टू अ डॉक्टर यागट जो भी उस चिन्हित बटरफ्लाई को पकड़ता है उसे यह कहा जाता है कि ये बटरफ्लाई ट्रैग को डॉक्टर यागट के पास पहुँचा दिया जाए द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट सिक्स वीक इन लाइट समा रीडिंग में बटरफ्लाई का कलेक्शन लगभग छः हफ्ते तक चला इफ यू आर गोइंग टू चेज देच वेरी मैनी अगर आप उसे एक एक करके पकड़े तो आप बहुत ज्यादा नहीं पकड़ेंगे सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज सो अगला कदम एब्राइट के लिए था कि वो बटरफ्लाइज को पालना शुरू करता है ही वुड कैच अ फीमेल मोनाक टेक हर एग्स एंड रेज देम इन बेसमेंट थ्रू देअर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरप्लाट टू पोपा टू एडल्ट बटरफ्लाई और इसलिए उसने एक मोनाक फीमेल को पकड़ा और उससे अंडे लिया उसने और उसे सेंचना शुरू किया अपने तहखाने में पूरे जीवन साइकिल में पहले एक उसके बाद कैटरपिलर बना फिर पीपा बना फिर एक पूरी तरह ग्रोन अप बटरफ्लाई बन गया देन ही वुड टेक द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो और फिर वो क्या करता है उस बटरफ्लाई के विंग्स को चिन्हित करता और फिर उसे जाने देता फॉर सेवरल ईयर्स हीस बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनाक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और कई सालों तक उसका जो है वो हजारों मुनाकियों का घर हो गया था जो अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस में था डेवलपमेंट का कोई एक्स में था कोई पूराफ्लोर था, को था कोई फुल ग्राउंड बटरफ्लाई थे नेक्स्ट इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज और वो कहते हैं कि अंततः मैं बटरफ्लाइज को चिन्हित करने का जो मेरा रुचि था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा इट्स स्टेडियस एंड दे इज नॉट मच फीडबैक कह रहे उबाऊ था और इसके बहुत ज़्यादा फीडबैक नहीं आ रहे थे ए ब्राइट सेट उसने कहा इन ऑल द टाइम आई डिड इट कर हर बार मैं यही करता था ही लाफ्ट और वो हंस गया ओनली टू बटरफ्लाइज आई हैड ट्रैक्ड वर रिकैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन सेवेंटी फाइव माइल्स अवे फ्रॉम वे आई लिव कहता है कि वैसे दो बटरफ्लाईज मैंने दोबारा पकड़ा yeah. जो yeah. जहां मैं रहता था वहां से सेवेंटी फाइव माइल्स दूर था उससे ज्यादा नहीं वैन इन सेवेंथ ग्रेड ही गॉट अंट ऑफ वॉट रियल साइंस इज वैन ही इंटर्ड अकाउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट जब वो सेवेंथ ग्रेड में था तब उसे असली साइंस का मतलब पता चला जब वो एक काउंटी साइंस फेयर में इंटर किया और वहाँ हार गया इट काउंटी साइंस फेयर मतलब क्षेत्रीय विज्ञान प्रदर्शनी होती थी और वहाँ वो हार जाता है इट वॉज रियली सैड फीलिंग टू सीट देयर एंड नॉट गेट एनी थिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन्ट समथिंग और आगे कहता है कि ये बहुत ही दुखद अनुभव था सिर्फ बैठा रहना और कुछ न मिलना जबकि बाकी लोग वहाँ कुछ ना कुछ जीतते थे ब्राइट कहता है इज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टीशूस विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप और उसका एंट्री क्या था प्रोजेक्ट उसका वो था कि बटरफ्लाइज़ के टिशू हैं उसके स्लाइड्स थे अलग अलग लेयर्स को वो दिखा रहा था माइक्रोस्कोप से ही रियलाइज द विनर्स है ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले उसने ये एहसास किया कि जीतने वाले लोग असली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना कि सिर्फ एक अच्छे से दिखावा करते हैं ऑलरेडी द कंपिटेटिव स्प्रिटर्ड रिचर्ड एब्राइट के पास प्रतिस्पर्धात्मक भावना जो था जो रिचर्ड एब्राइट के पास था वो ऑलरेडी दिख रहा था आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट इज़ सैड उसने कहा कि मुझे पता था अगले साल के मेले में मुझे कुछ असली और एकदम ऑरिजिनल एक्सपेरिमेंट करना होगा द प्रोजेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बिन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स कह रहा है कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं जानता था सबसे ज़्यादा वो ये था कि कीड़ा कीड़ा जिसके काम मैं कई सालों से कर रहा था सो ही रॉट टू डॉक्टर यागट फॉर आइडियाज एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट इसलिए उसने डॉक्टर यागट को विचारों के लिए खत लिखा और उधर से सुझाव के कई सारे लिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट के लिए उसके सुझाव आए दो स्क्रिप्ट ए ब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लिट टू प्राइस प्रोजेक्ट्स इन इनकाउंटे साइंस फेयर और ये सारे सुझाव एब्राइट को सालों तक बिजी रखा हाई स्कूल में और फाइनली उसे कई सारे प्रोजेक्ट्स प्राइज मिले क्षेत्रीय विज्ञान मेला में साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला में भी मिला फॉर हिज एज ग्रेट प्रोजेक्ट एब्राइट राइट टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनाक एवरी फ्यू ईयर्स जब वो एथ ग्रेड प्रोजेक्ट में जब वो एथ ग्रेड में था तो उस समय उसका प्रोजेक्ट था ये कोशिश कर रहा था वो जानने के इस प्रोजेक्ट में कि आखिर वो कौन सा वायरल डिजीज़ है जिससे लगभग सारे मोना हर साल जो है वो मर जा रहे थे ब्राइट थाट द डिजीज माइट बी कैरिड बाई बीटल। उसे लगा कि ये वायरल डिजीज़ कहीं ना कहीं बीटल से आ रहा है ट्राइड रेजिंग कैटेपलर इन प्रेजेंस ऑफ बिटल इसलिए उसने कैटेपलर को बेटल के उपस्थिति में ही उसे पालना शुरू करता है आई डेंट गेट एन रियल रिजल्ट लेकिन उसने कहा कि मुझे कोई अच्छा खासा रिजल्ट नहीं दिखा बट आई वेंट हेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वॉन्ट लेकिन मैं आगे गया और मैंने ये किया और मैंने ये दिखाया कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और इस टाइम मैंने जीता द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द इज दैट वाइस राय बटरफ्लाईज कॉफी मुनाक और अगले साल के विज्ञान प्रदर्शनी के लिए उसके पास प्रोजेक्ट था एक थ्योरी का टेस्ट करना जिसमें यह बताया जा रहा था कि वॉयसराय बटरफ्लाई जो एक प्रजाति है बटरफ्लाई का वो कॉपी करता है मोनाक बटरफ्लाई का जो भी मोनाक भी एक प्रजाति है जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर नीचे ऊपर वाला मोनाक है और नीचे वाला वॉयसराय है द थ्योरी वॉज दैट वॉइसरा लुक लाइक मोनाक बिकॉज मोनाक डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स थ्योरी ये था कि वॉयस राय मोनार्क जैसा दिखता है क्योंकि मोनार्क का जो टेस्ट है वो चिड़िया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वॉयसराय ऑन है डो टेस्ट गो टू बर्ड्स और दूसरी तरफ वॉयसराय जो है वो चिड़िया के ख़ुराक का बहुत अच्छा टेस्ट है तीन उन्हें चिड़िया के लिए उसे वो टेस्ट ही था सो द मोर दे लुक लाइक मोनाक द लेस दे लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर तो इसीलिए वो जितना मोनाक जैसा दिखते उतना ही उन का कम चांस होता है कि वो बर्ड्स का खुराक बनते डिनर बनते ब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनाक्स ब्राइट का प्रोजेक्ट था सिर्फ ये देखना कि क्या सच में बर्ड्स जो है वो मोनाक्स को खाती हैं ही वुड फाउंड दैट ए स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड उसने देखा कि स्टार्लिंग नाम का एक पंक्षी जो है वो बाकी चिड़ियाओं के जैसा फूड बाकी चिड़िया का जो फूड होता है वो फूड वो नहीं खाती हैं इट वुड ईट ऑल द मोनाक्स इट वुड डेट और वो सिर्फ और सिर्फ मुनाक को खाती है जितना वो खा सकती थी एब्राइट सेट लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल सो दैट वॉइसरा और एब्राइट जो है ये एब्राइट कहता है कि लेटर रिसर्च में जो दूसरे लोगों के द्वारा ये दिखाया कि वॉयसराय जो है वो संभवतः मुनाक को कॉपी करते हैं दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर और ये प्रोजेक्ट जो है वो जूलॉजी डिवीज़न में फर्स्ट प्लेस पे रहता है और काउंटी साइंस फेयर में थर्ड में इन सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगे द रिसर्च दैट लेट टू हिस्स डिस्कवरी ऑफ ए नॉन इनसेक्ट हार्मोन हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट जो है वो रिसर्च शुरू करता है जो रिसर्च उसे एक गुमनाम कीड़े के हार्मोन की खोज की तरफ ले गया इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन लाइफ ऑफ सेल्स और अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रोजेक्ट जो है वो उसे ले गया एक नया थ्योरी में जिसमें यह पता था कि आखिर कोशिका का जीवन क्या है सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल का मतलब हो गया क्लास टेन मैं बता दू विदेशों में अमेरिका स्कॉटलैंड में नाइन टू ट्वेल्व को हाई स्कूल कहते हैं ओके तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉर सिंपल वट इज द पर्पज ऑफ द टाइनिंग गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनाक प्यूपा सवाल का जवाब वो सिंपली ढूंढ रहा था कि आखिर मोनाक प्यूपा में बारह के सुनहरे गोल धब्बे जो है उसका क्या उद्देश्य है एवरी वन एज्यूम द स्पॉट्स व जस्ट ऑर्नामेंटल ए ब्राइट सेट बट डॉक्टर यागार्ट इन बिलीव इट सभी को लगता था कि ये स्पॉट्स जो है धब्बे जो हैं एक सुंदरता के प्रतीक थे लेकिन डॉक्टर यागाट को ये यकीन नहीं था टू फाइंड द आंसर ए ब्राइट एंड अदर एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट First had to build a device that डिवाइस that the दैट were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. और इसका उत्तर ढूंढने के लिए ब्राइट और उसके एक दूसरे बहुत ही होनहार विज्ञान विज्ञान का छात्र दोनों ने मिलकर सबसे पहले दोनों ने मिलकर एक डिवाइस बनाई एक मशीन बनाना पड़ा उन्हें और उसने क्या उन्होंने दिखाया कि एक्चुअली में जो धब्बे हैं उनसे हारमोन पैदा हो रहा है जो बटरफ्लाई के पूरा विकास के लिए बहुत जरूरी है दिस प्रोजेक्ट won a फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इन टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर और यह प्रोजेक्ट ब्राइट को पहला स्थान दिलाता है काउंटी फेयर में और साथ ही साथ इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उसका क्लियर हो जाता है रास्ता भी देयर ही वॉन सट प्लेस फॉर जुलॉजी और वहाँ वो जुलॉजी के लिए तीसरा प्राइज़ जीतता है यू ऑल्सो गट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एटामोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च और साथ ही साथ वो समर में काम करने का भी उसे मौका मिलता है आर वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के एटामोलॉजी लेबोरेटरी में एटामोलॉजी लेबोरेट्री होता है जहाँ कीड़े मकोड़ों पर प्रयोग किया जाता है एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूस एज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क पेपा हाई स्कूल जूनियर हाई स्कूल जूनियर में जब वो था यानी नाइन टेन में जब वो था उस समय रिचर्ड एब्राइट जो है अपने एडवांस एक्सपेरिमेंट मोनार्क पेपा में अपने एडवांस uh, एक्सपेरिमेंट्स को वो आगे बढ़ाता है दैट इज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम एन अदर चांस टू ड्यूरिंग द समर उस साल उसका प्रोजेक्ट जो है वो इंटरनेशनल साइंस फेयर में पहला स्थान लेता है और उसे दूसरा बार चांस मिलता है आर्मी लेबोरेट्री में काम करने के लिए समर में इन ही सीनियर ईयर ही वेंट स्टेप फर्दर अगले साल वो सीनियर ईयर में जब पहुंचता है तब तो वो एक और एक और कदम आगे बढ़ता है ही ग्री सेल्स फ्राम अ मनाक्स विंग्स In a culture and sort that the cells would divide and develop into normal butterflies wings scales, only if they were fed the hormone from the gold spots और senior class में जैसे ही जाता है तो वो एक कोशिका कोशिका को बना लेता है कैसे मनाक्ष का wings से culture में और जो ये दिखाता है कि cell जो है वो divide होता है और डेवलप होता है विकास हो जाता है एक नॉर्मल बटरफ्लाई का विंग बन जाता है वो अगर उसे प्रॉपर मात्रा में हार्मोन दिया जाए जो हार्मोन उस सुनहरे धब्बे से निकल रहे थे दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जुलॉजी at द इंटरनेशनल फेयर एड यह प्रोजेक्ट उसे इंटरनेशनल फेयर में जुलॉजी में फर्स्ट प्राइज़ दिलाता है ही spent द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट the आर्मी लेबोरेट्री एंड एट the लेबोरेट्री ऑफ US Department डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर और इसके बाद फिर से उसे समर में आफ्टर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के बाद काम करने का मौका मिलता है आर्मी लेबोरेट्री में और साथ ही साथ यू एस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लेबोरेट्री में द फॉलोइंग समर आफ्टर हिस्समेंट ईयर एट हैवर्ड यूनिवर्सिटी ए ब्राइड वेंट बैक टू द लेबोरेट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डीड मोर वर्क ऑन द हार फ्रॉम द गोल्ड और अगले साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर में फ्रेशमैन ईयर में पहला साल में एब्राइट वापस जाता है यू एड यू एस डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर में के लेबोरेट्री में और वहाँ अपने हार्मोन वाले गोल्ड स्पॉट से निकले हार्मोन पर वो और आ, आ, आगे काम करता है यूजिंग द लेबोरेटरी सफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हारमोन केमिकल स्ट्रक्चर और उस लेबोरेट्री में रखे हुए कई तरह के यंत्रों का इस्तेमाल करते हुए वो अंततः हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर्स को पता लगाने में कामयाब हो जाता है अ ईयर एंड ए हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर ब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ डेढ़ साल अपने जूनियर ईयर के दौरान डेढ़ साल डेढ़ साल खत्म होने पर ए ब्राइट जो है उसे एक आइडिया मिल जाता है अपने नया थ्योरी के लिए और वो थ्योरी रहता है कि कोशिका जीवन के बारे में इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटो ऑफ़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हारमोन और वो तब होता है जब वो एक एक्सरे को होता है जिस जिसमें जिस फोटो होता है किसका इसका हार्मोन के केमिकल केमिकल स्ट्रक्चर का वेन ही सॉ दोज फोटोज्राइट शाउट यूरेगा और इवेन अब इट जब उस फोटो को वो देखता है तो वो यूरे नहीं चिल्लाता खुश होकर कि, कि मैंने पा लिया और यहाँ तक कि वो ये भी नहीं बोलता है कि मुझे समझ आ गया मैंने ढूंढ निकाला बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट्स हारमोन द फोटोज गेप हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉज पजल्स हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डी एन ए ब्लू प्रिंट मतलब होता है एक तरह का संरचना बनावट जब उसने इस फोटोज़ को देखा तो चिल्लाया नहीं बल्कि उसे यकीन हो गया विश्वास था कि इस खोज के साथ कीड़ों के बारे कीड़ों के हार्मोन के बारे में जो खोज हुआ उसके साथ ही ये फ़ोटो ने जीव विज्ञान के एक बहुत ही अनसुलझे पहेली का जो है वो जवाब दे दिया है और वो क्या था कि हाउस सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट्स ऑफ डी एन ए अब ये पता था कि सेल से कैसे पता किया जा सकता है किसी डीएनए का ब्लू प्रिंट्स को यानी डीएनए का जो संरक्षण है वो किसी सेल से आसानी से पता किया जा सकता है डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी अब डीएनए एक्चुअली है क्या एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है मतलब तब को कंट्रोल करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले जो गुण होता है जिन form of, form ये डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ सेल यह क्या तय करता है किसी सेल का काम और उसके आकार को तय करता है दस डी एन एज द ब्लू प्रिंट ऑफ फॉर लाइफ है और इस तरह से डी एन ए जो है लाइफ के लिए ये क्या संरचना है एब्राइट एंड इसका लिग रूम में जेम्स और वॉन्ग वर्क ऑल दैट नाइट ड्राॅइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ न्यू ऑफ मलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन और उस रात एब्राइट और उसके एक कॉलेज रूम में जेम्स और वॉन्ग दोनों ने रात भर ड्राॅइंग किया और कई प्लास्टिक मॉडल्स बनाए मॉलिक्यूल्स का ये दिखाने के लिए कि काम कैसे करते हैं टुगेदर द लेटर रॉड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी और बाद में दोनों ने मिलकर एक पेपर लिखा कि जिसमें वो इस स्टोरी को पूरा एक्सप्लेन करते हैं उस थ्योरी को सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्राम हार्वर्ड विद हाइस्ट ऑनर्स सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड टेन सरप्राइज करने वाली बात ये थी कि जो उसे जानते थे उन्हें भी ये पता नहीं था कि रिचर्ड एब्राइट जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सेकेंड हाइस्ट नंबर से वो पास होता है जो एक हज़ार पाँच सौ दस स्टूडेंट्स में उनमें से सेकेंड हाइस्ट लाता है वो एब्राइट बइन ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्च एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और वो आगे रिचर्ड एब्राइट एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बनता है कहाँ पे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी और वहाँ वो फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं अपने थ्योरी को टेस्ट करने के लिए इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ और वो जानता था कि अगर ये थ्योरी सही साबित होता है तो ये जीवन के प्रक्रिया के समझ में एक बहुत बड़ा जो है वो कदम होगा इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज और साथ ही साथ ये और भी कई तरह के नए विचार जो है वो दे सकते हैं किसके लिए कई तरह के कैंसर्स और बाकी बीमारियों से बचा जाने का नए आइडियाज़ भी इससे मिल सकता है ऑल ऑफ़ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ़ एवराइट साइंटिफिक क्यूरियासिटी और ये सब मुमकिन हो पाया एवराइड्स के साइंस के प्रति उत्सुकता के कारण हिज हाई स्कूल रिसर्च इन टू दस पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑन मोनाक ए लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ हाई स्कूल में उस सुनहरे स्पोर्ट्स के उद्देश्य को जानने के बारे में जो उसका रिसर्च था मोनाक पोपा के ऊपर जो फाइनली उसे कोसिका के जीवन के थ्योरी तक ले जाता है रिचर्ड एब्राइट हैज़ बिन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ एन टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट रिचर्ड एब्राइट साइंस में इंटरेस्टेड था बचपन से ही जब वो बटरफ्लाई कलेक्टिंग करने लगा लेकिन इतना ज़्यादा उसमें वो डीपली इंटरेस्टेड नहीं था कि वो बाकी रुचि को बिल्कुल दरकिनार कर दिया हो ए ब्राइट ऑल्सो बिकम ए चैम्पियन डिबेटर पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड ब्राइट जो है वो चैंपियन डिबेटर भी बनते हैं एक पब्लिक स्पीकर भी बनते हैं साथ ही एक अच्छा कैनोइस्ट भी बनते हैं नौका चालक बनते हैं और साथ ही साथ ऑल राउंडर आउटडोर पर्सन भी बनते हैं मतलब घर में बैठने वाले नहीं हैं बाहर इधर उधर घूमने वाले भी पर्सन होते हैं ही इज़ एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरलीफ ए नेचर साइंटिफिक एग्जिबिट वो एक बहुत ही उमदा फोटोग्राफर भी था खास करके नेचर का फोटोग्राफी के लिए और साथ ही साइंटिफिक एग्जिबिट्स के लिए भी इन हाई स्कूल रिचर्ड ए ब्राइट वॉज ए स्टेट ए स्टूडेंट हाई स्कूल में वो स्टेट ए स्टूडेंट होता मैं टॉप क्लास का स्टूडेंट था बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी हिट अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स क्योंकि लर्निंग उसके लिए आसान था इसलिए वो अपनी पूरी एनर्जी जो है डिबेटिंग में यानी वाद विवाद में और मॉडल यूनाइटेड नेशंस में लगाता था ही ऑल्सो फाउंड टू एडमायर रिचर्ड ए वेयर सोशल स्टडी टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स वो एक आदमी से मिला जो उसकी प्रशंसा करता था रिचर्ड एवियर उसके सामाजिक विज्ञान के शिक्षक जो उसके सलाहकार भी थे मिस्टर वियर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज प्रेड वो कहता है कि उस समय मिस्टर व्यर एक परफेक्ट इंसान थे मेरे लिए उसने कई नए नए विचारों के प्रति मेरा जो है वो दिमाग को खोल दिया मतलब मुझे नए नए विचार दिए रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट मिस्टर एवरेट सेट मिस्टर वेयर कहते हैं कि रिचर्ड जो है वो हमेशा एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालता था वट प्लीज मी वॉज हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट मी इन थ्री और फोर आवर्स एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स डूइंग ऑल इज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड इज अदर इंटरेस्ट आगे वो कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा खुश जो करता है वो ये था कि इस इस इंसान के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये मिलती थी कि वो तीन से चार घंटा रात में देता था वाद विवाद प्रतियोगिता को में प्रिपेयर करने में उन सारे कामों उन सारे रिसर्च के अलावा जो वो बटरफ्लाई के साथ करता था और वो अपने बाक़ी इंटरेस्ट के साथ करता था इसके अलावा वो चार से तीन घंटे तक देता था डिबेट के लिए हर रात तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था उसका वो, वो कहते हैं रिचर्ड वॉज कंपिटेटिव मिस्टर वे कंटिन्यूड बट नॉट इन अ बैड सेंस कह रहा है कि रिचर्ड एक प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव का लड़का है लेकिन वो किसी गलत सेंस में नहीं है ही एक्सप्लेन रिचर्ड इंटरेस्ट इन विनिंग फॉर विनिंग सेक्स और विनिंग टू गेट अ प्राइज वो कहते हैं कि रिचर्ड ख्याल से जीतने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है या फिर कोई प्राइज पाने के लिए वो जीतना नहीं चाहता है रेदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही क्यों वो जीतना चाहता है क्योंकि वो जो करना चाहता था बेस्ट जॉब जो वो कर सकता था उसी के लिए वो कर रहा था इसीलिए वो जीतता था फॉर द राइट रीजन यू वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट और बिल्कुल सही कारण के वजह से वो सबसे अच्छा बनना चाहता था एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट यहाँ इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री ऐसे होता है जैसे लेकिन यहाँ गुण होगा तो ये साइंटिस्ट बनने में एक महत्वपूर्ण गुणों में से एक गुण है स्टार्ट विद फर्स्ट एड माइंड एंड एड क्यूरियासिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न कह रहा है कि इस स्टार्ट कीजिए फर्स्ट एड माइंड से मतलब बहुत ही तेज़ तरह दिमाग से और उसमें क्यूरियासिटी मतलब उत्सुकता को ऐड कीजिए और मिक्स इन द विल और इसमें इच्छाएं जो हैं वो मिक्स कर दीजिए टू विन फॉर द राइट रीज़न और ये सारे चीज होने पे आपको सही मकसद मिल जाएगा जीतने के लिए ऐब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़ ये सारे गुण एब्राइट्स में थे फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनाक ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट लास्ट साइंटिफिक क्यूरसिटी और उस टाइम से जब ट्रेवल द ट्रेवल ऑफ मोनाक एक्स उसके लिए साइंस की दुनिया उसके लिए पूरा खोल देता है उस समय से आज तक रिचर्ड एब्राइट जो है साइंस के प्रति अपना उत्सुकता नहीं खोया है और यहीं स्टोरी खत्म होती है तो उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए रखें अपना खूब सारा ख्याल टेक केयर